आज हम जानेंगे ब्रिट्स रूल के बारे में ये स्कीम आप लोग एलएस कपलिंग में यूज करते हैं एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम था तो इसमें कुछ मतलब डाइग्नल एलिमेंट्स भी होते हैं जिनको हम लोग यहाँ स्किप करके चलते हैं तो कब आपने वो स्किप करने हैं इन चीज़ों के बारे में हम जो है जानेंगे तो लेटेस्ट कॉल अबाउट द ब्रिट्स स्कीम इन एल एस कपलिंग कब आपने ये यूज करना है और ये स्कीम क्या है इसको आप यहां से स्टडी करेंगे ठीक है ना देखिए जब हम एल एस कपलिंग डील कर रहे होते हैं यानी कि जब स्पिन एंगुलर मोमेंटम वैक्टर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर आपस में कपल करते हैं तो हमें नेट या टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जे मिलता है जे का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है दैट वाज एल वेक्टर माइनस एस वेक्टर और जे वैक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट वॉज एल वैक्टर प्लस में एस वैक्टर सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ठीक है फिर हम टर्म सिंबल्स uh, के बारे में स्टडी करते हैं दिज आर द टर्म सिंबल्स इस प्रकार से हम लोग फाइंड करेंगे यहां पर दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीसिटी और ये हमारे पास जे रहेगा ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म सिंबल्स यानी कि दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द केस ऑफ एल एस कपलिंग तो उनको हम लोग फाइंड आउट करते हैं और फिर बताते हैं कि एनर्जी का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द हुड्स रूल ठीक है अब जब एलिस कपलिंग स्कीम हम लोग स्टडी करते हैं ना तो ये स्कीम एक्चुअल में इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब हो गया जिसके लिए एन और एल का वैल्यू हमारे पास क्या होता हो सेम होता हो जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूं कार्बन के लिए अटोमिक नंबर सिक्स होता है तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखेंगे सो दैट वॉज वन एस टू टू एस टू एंड टू पी टू तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास टू पी स्टेट के अंदर लाई कर रहे हैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन का एक है कि दोनों के लिए एन का वैल्यू टू होगा और एल का वैल्यू हमारे पास वन है ठीक है तो ये है हमारे पास इक्वलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम टू इलेक्ट्रॉन्स भी आप कह सकते हैं इसी प्रकार से ये सेम एल कपलिंग स्कीम वैलिडेट होती है नॉन-इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एग्जाम्पल जैसे कि मैग्नीशियम है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर एम जी स्टार से इसको डिनोट करेंगे Z का वैल्यू होता है इसके लिए ट्वेल्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। लेकिन 3s2 तो ग्राउंड स्टेट में आता अगर एक्साइटेड स्टेट की बात चल रही है सो so थ्री और नेक्स्ट आएगा थ्री पी और तो इसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और यहां पर अगर हम देखें तो एन का वैल्यू तो चलो थ्री है लेकिन एल का वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट है सो दिस इज कमिंग आउट इन द कैटेगरी ऑफ नॉन इक्विलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम ठीक है अब इनको डील करना हमारे लिए आसान रहता है क्योंकि यहां पर जो L1 का वैल्यू है और L2 का वैल्यू डिफरेंट है इसके लिए L1 का वैल्यू जीरो होगा इसके लिए L1 L2 का वैल्यू हमारे पास में वन के इक्वल है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में तो एक के लिए एस वन इज इक्वल टू हाफ तो दूसरे वाले के लिए भी हाफ ठीक है ये आपस में जब कपल करेंगे तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा मुझे दैट्स वैल्यू विल बी एल वन माइनस एल टू से एल वन प्लस एल टू यानी मिल जाएगा मेरे पास वन के इक्वल ठीक है और एस का वैल्यू जो यहां से मुझे मिलेगा दैट वॉज जीरो वन और अब हम क्या करेंगे एल का वैल्यू वन एस का वैल्यू जीरो तो यहां दिस इंप्लाइज दैट जे का वैल्यू हो जाएगा वन और अगर एल का वैल्यू वन है और एस का वैल्यू वन है तो जे का वैल्यू मुझे मिल जाएगा जीरो वन कोमा टू तो इस प्रकार से हम टर्म सिंबल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं है ना तो टर्म सिंबल्स यहां से जो आएंगे दीज आर वन पी वन एंड थ्री पी जीरो वन कोमा वन कोमा टू ये हमारे पास आ जाएंगे टर्म सिंबल्स फॉर द मैग्नीशियम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नॉन-इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डील करना आसान है और यही मेथड हम लोग अडॉप्ट करते हैं लेकिन जब बात इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम की आती है तो यह वाला मेथड आप यहां अडॉप्ट नहीं कर सकते नहीं तो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट कर जाएगा ठीक है कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे यहां पर ही बात कर लो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर हैं टू पी स्टेट के अंदर है ना एक के लिए अगर एल वन का वैल्यू वन के इक्वल है तो दूसरे वाले के लिए एल टू का वैल्यू कितना है वो भी वन के बराबर है अगर एक के लिए एस वन बराबर हाफ है तो दूसरे वाले के लिए एस टू कितना है हाफ के बराबर है करेक्ट यहां से मुझे एल का वैल्यू मिल जाएगा जीरो वन कोमा टू और यहां से जो एस का वैल्यू मिलेगा दैट वाज जीरो वन ठीक है चलो मान करके चलता हूं कि एस का वैल्यू वन है एस का वैल्यू कितना है वन है अगर एस का वैल्यू वन है तो एक पॉसिबल वैल्यू जो एम की होगी वो वन भी होगी ना, है ना की वैल्यू से माइनस वन जीरो मिलेगी क्योंकि हमारे पास में आइगन वैल्यू होता है ना कट है ना एस जेड इस प्रकार से जिसका वैल्यू होगा एमएसएच तो कटे पता है कि जो एमएस एक्चुअल में इन दोनों इलेक्ट्रॉन का अगर हम बारी बारी से कैलकुलेट करेंगे तो एम का वैल्यू मेरे पास आएगा नेट वैल्यू ऑफ एम विल बी एम एस वन प्लस एम एस टू ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं देखो ठीक है ना इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी जब सी जी कॉफिशेंट्स आपको बताया था मैंने ठीक है ना तो सी जी कॉफिशेंट्स में मैंने आपको ये बताया था क्योंकि ये z डायरेक्शन के अलोंग हैं तो z डायरेक्शन के अलोंग होने के कारण ये दोनों एडिटिव नेचर के होंगे ठीक है तो यहां पर एड हम लोग करेंगे तो जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी एम एस वन और MS2 टू की वो कितने कितनी हो जाएंगी हाफ और हाफ करेक्ट है ठीक है अब फिर से सुनो एक बार इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए एन का वैल्यू सेम है टू के इक्वल एल का वैल्यू सेम है 1, 1 के ms का वैल्यू सेम है हाफ हाफ के इक्वल करेक्ट है अगर आप चाहते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास डिफरेंट हों फोर सेट्स ऑफ द क्वांटम डिफरेंट अकॉर्डिंग टू पोली exclusion प्रिंसिपल तो एम एल को भी डिफरेंट होना पड़ेगा लेकिन यहां देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए L का वैल्यू मैं टू एज्यूम कर लो एल का वैल्यू टू एज्यूम कर लो तो क्या होगा अगर L का वैल्यू टू एज्यूम कर लेते हैं सो so का एक पॉसिबल वैल्यू भी आएगा एंड देन दिस इंप्लाइज दैट देट वन मुझे क्या मिलेगा वन एंड एमएल टू भी मुझे कितना मिलेगा वन तो एम एल का वैल्यू भी सेम मिल रहा है तो देखो फोर के फोर क्वांटम नंबर्स इनमें से कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं जिनमें फोर क्वांटम नंबर्स फॉर दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर सेम बट वो तो फिर हमारे पास वॉलिट कर जाएगा पोलियोजन प्रिंसिपल को ना तो हम ये स्कीम तो अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला मेथड किया है वो मेथड यहां पर तो वैलिडेट नहीं हो सकता है तो इसके लिए हमारे पास आता है ब्रिट्स स्कीम अब ये ब्रिट्स स्कीम क्या है उसको हम समझते हैं नाउ वी विल टेक द सेम एग्जाम्पल हमारे पास एलवन का वैल्यू वन है एल टू का वैल्यू भी वन है एस वन इज इक्वल टू हाफ एंड एस टू इज इक्वल टू हाफ ठीक है तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं टू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं सो इस केस में यहां पर जो एल का वैल्यूज मिलेगा वर वीरो वन और टू और यहां जो एस का वैल्यू मिलेगा देट वीरो वन अब ब्रिट स्कीम के अकॉर्डिंगली हमने यहां पर जो है मैट्रिक्स बनानी होती है यहां पर एम एल वन और यहां पर एम एल टू क्योंकि एल वन का वैल्यू वन है और एल टू का वैल्यू भी वन है सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम एल वन और एम एल टू आर वन जीरो माइनस वन सिमिलरली है वन जीरो एंड माइनस वन ठीक है तो नेक्स्ट जो मुझे एम एल का वैल्यू मिलेगा दैट शुड बी इक्वल टू एम एल वन प्लस एम एल टू तो ऐड करेंगे देखो टू हो जाएगा यहां पर वन यहां पर जीरो ये जीरो है तो सेम मिलेगा देखो वन जीरो माइनस वन एंड नेक्स्ट में जीरो देन माइनस वन एंड माइनस टू अब ये जो डाइग्नल एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ना ये डायग्नल एलिमेंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायग्नल एलिमेंट्स तभी आए हैं जब आपने सेम एम एल वन और एम एल टू की वैल्यूज को एड किया है जैसे ये टू है तो एम एल वन भी वन होगा एम एल टू भी टू होगा सो एम एल टू भी हमारे पास वन होगा दोनों को आपने ऐड किया तब मेरे पास ये टू आया है इन द सिमिलर वे जीरो प्लस जीरो जीरो माइनस वन एंड माइनस वन इज माइनस टू तो इनके लिए एम एल वन का वैल्यू एम एल टू के इक्वल है करेक्ट है चलिए अब हम एक केस मान करके चलते हैं लेट अस कॉल इट क्वाल केस नंबर वन जहां पर s का वैल्यू अगर जीरो होगा तो हम पता करना चाहते हैं कि l का क्या वैल्यू हमारे पास होना चाहिए ठीक है या s का वैल्यू पहले वन ले लो देखो अगर हम एस का वैल्यू वन लेते हैं तो एक एमएस का वैल्यू वन भी आएगा करेक्ट है ना देखो एस इज इक्वल टू जीरो से तो मुझे एमएस इज इक्वल टू वन नहीं मिल सकता ना लेकिन एस इज इक्वल टू वन से मुझे एक वैल्यू एम एस की वन के इक्वल मिलेगी माइनस वन जीरो और वन ये मुझे तीन वैल्यूज मिलेंगी जिनमें से एक वैल्यू वन के बराबर भी होगी सो दिस इंप्लाइज दैट अगर एमएस का वैल्यू वन मिल रहा है तो एमएस वन भी हाफ के इक्वल होगा एमएस टू भी हाफ के इक्वल होगा सो दैट यू विल गेट द रिजल्ट एज वन करेक्ट है तो ये दोनों को हाफ हाफ होना पड़ेगा अब जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास दोनों है ना जो कि टू पी स्टेट के अंदर है तो आप देख रहे हो एन का वैल्यू तो सेम है एल का वैल्यू भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम है वन और वन एमएस का वैल्यू भी सेम है अगर मैं टू वन ले लू एंड कोरोस्पॉडिंग एमएस का वैल्यू वन तो एमएस वन और एमएस टू जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा वो क्या है सेम है और जो फोर क्वांटम नंबर्स होते हैं दीज आर एन एल एम एल और एम एस तो ये तीन तो हमारे पास सेम बन चुके हैं है ना अगर हम एस इक्वल टू वन लेकर चल रहे हैं तो तो पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि एम एल शुड नॉट बी सेम एम एल अगर सेम हो जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये फोर क्वांटम नंबर्स बराबर हो जाएंगे जो कि वायलेट कर जाएगा पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सो द मीनिंग इज दैट if the value of ms1 and ms2 are same for these two electrons lying in this 2p orbital, then the value of ml should be different, hai na to ml ka है ना तो milna chahiye का ml1 डिफरेंट हमें मिलना चाहिए यानी एम और ml2 का जो वैल्यू है मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो ml का वैल्यू है वो हमें डिफरेंट मिलना चाहिए और सेम कहां मिल रहा है तो सेम ये डायग्नल एलिमेंट्स में मिल रहा है ना तो इनको अगर आप यहां पर छोड़ देंगे तो जो बाकी बची हुई वैल्यूज हैं उनको ही आप कंसिडर करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यूफ एम एल है तो एम की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं अब आप, आप यहां से बता सकते हैं देखो डायग्नल एलिमेंट्स को अगर आप यहां से छोड़ देंगे टू जीरो और माइनस टू फॉर द केस वन एस इज इक्वल टू वन तो एम की जो वैल्यूज मेरे पास में लेफ्ट रहेंगी बचेंगी दीज आर वन जीरो माइनस वन इधर की तरफ भी देखोगे तो सिमेट्री से वन जीरो माइनस वन यहां पर भी बच रहा है ना तो ये तीन वैल्यूज मेरे पास बच रही है वन जीरो और माइनस वन और हमें पता है ये तीन वैल्यूज कब आ सकती हैं जिस टाइम पर एल का वैल्यू वन के बराबर होगा ठीक है तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जब आपने S लिया है तो एल का वैल्यू आपको कितना देना पड़ेगा one के इक्वल तभी फोर क्वांटम नंबर डिफरेंट आएंगे और पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे पास वैलिडेट रहेगा ठीक है अगर एस का वैल्यू वन है एल का वैल्यू वन है तो जे का पॉसिबल वैल्यू होना चाहिए जीरो वन और टू मल्टीप्लिसिटी यहां से थ्री के इक्वल है सो द पॉसिबल टर्म सिंबल्स आर थ्री पी जीरो वन एंड टू ठीक है तो ये थ्री हमारे पास टर्म सिंबल्स बनेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू एस इज इक्वल टू वन फॉर द केस ऑफ कार्बन इन द ग्राउंड स्टेट ठीक है चलिए केस नंबर टू में केस नंबर टू में जब एस का वैल्यू जीरो के बराबर होगा तो अब कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं क्योंकि एस का वैल्यू जीरो है तो जो बची हुई वैल्यूज होंगी एल की क्योंकि वन हम यहां कंसिडर कर चुके हैं तो जीरो और टू तो जीरो और टू आप यहां पर कंसिडर करेंगे एक बार एस का वैल्यू जब ज़ीरो होगा तो एल का वैल्यू जीरो और दूसरी बार जब एस का वैल्यू जीरो होगा तो एल का वैल्यू टू यहां कंबाइन कर रहे हैं तो जे का वैल्यू मुझे मिल रहा है ज़ीरो ठीक है और यहां से अगर कंबाइन कर रहे हैं तो जे का वैल्यू मुझे मिल रहा है टू के इक्वल सो दिस गिव्स मी द टर्म सिंबल वन एस जीरो एंड दिस गिव्स मी द टर्म सिंबल वन डी ठीक है तो ये हमारे पास में टू टर्म सिंबल्स यहां से बनेंगे तो टोटल कितने टर्म सिंबल्स हो गए मेरे पास वन टू और थ्री है ना और ये भी टोटल में थ्री है ना तो थ्री प्लस वन प्लस वन मतलब टोटल फाइव हमारे पास टर्म सिंबल्स आ रहे हैं तो इस तरीके से ब्रिट्स स्कीम का यूज करके आप डायगनल एलिमेंट्स को यहां से हटा सकते हो ठीक है और जो पॉसिबल अदर वैल्यूज हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं फॉर एस इज इक्वल टू वन ठीक है तो ये था हमारे पास ब्रिट्स स्कीम अब यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन फर्दर प्रोसीड हो सकता है कि बताइए ये जो हमारे पास आ रहे हैं टर्म सिंबल्स इनको इनको आपने अरेंज करना है ठीक है ना इनको आपने अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी तो हम कैसे करेंगे फॉर दिस यू हैव टू स्टडी अबाउट द हुड रूल ओके रूल आपको यहां पर स्टडी करना होगा तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं देखो हंड रूल का जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एल एस कपलिंग में जो इंट्रैक्शन टर्म होती है दिस इज ए एल वैक्टर डॉट एस वैक्टर यही होती है तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं है ना दोनों तरफ करेंगे तो यही मिल जाएगा आपको दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए जे एल और एस इनका होल स्क्वायर क्वांटाइज है तो यहां से जो एनर्जी आइगन वैल्यू मुझे मिलेगी कोरोस्पॉ टू द एल एस कपलिंग है ना और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाल रहे हैं तभी तो हम लोग या कहने लग रहे हैं कि जो हमारे पास में आ, इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर लीजिए ना दिस लाइक दैट एन एल एम एच डैश एन एल एम ठीक है तो ये वैल्यू आपके पास आने वाली है ए बाई टू एच कट स्क्वायर एंड जे ऑफ जे प्लस वन माइनस एल ऑफ एल प्लस वन एंड माइनस एस ऑफ एस प्लस वन करेक्ट अब आप खुद से बताइए ये जो एनर्जी है इसको जब आप अनपर्टूड एनर्जी एलगन वैल्यू के अंदर एड करेंगे तो वही तो मुझे देगा ना करेक्शन है ना नेट जो मुझे टोटल एनर्जी मिलने वाली है नेट एनर्जी मुझे मिलने वाली है फॉर द केस ऑफ और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वो तभी तो मिलेगी ना जब आप इसको ऐड करेंगे मतलब ई एल एस वन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन प्लस में ई एन ऑफ मी द नेट एनर्जी ठीक है ई एन ये मुझे नेट एनर्जी देगा हालांकि करेक्शंस और भी हो सकते हैं जैसे कि डार्विन टर्म को ऐड किया जा सकता है उसके अलावा रिलेटिविस्टिक करेक्शंस जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो होगा अगर वो रिलेटिविस्टिक हम लोग अज्यूम करके चलते हैं तो फर्दर हमारे पास में लेवल्स स्प्लिट हो सकते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में भी उनकी प्रेजेंस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में फर्दर लेवल्स की स्प्लिटिंग हो सकती है ठीक है तो क्योंकि हम एलेस कपलिंग स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म आप यहां पर कंसिडर कर सकते हैं अब मुझे एक बात बताओ ये वैल्यू मिनिमम कब होगी जब एल का वैल्यू ज्यादा होगा एस का वैल्यू भी ज्यादा होगा बिकॉज दोनों के साथ में नेगेटिव साइन आ रहा है ना तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट है ग्राउंड स्टेट में वही हमारे पास लेवल होता है ना या टर्म सिंबल जिसका कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी मिनिमम होती हो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन मिनिमम तभी होगा जब एस का वैल्यू हाई होगा या फिर एल का वैल्यू हाई होगा बात रह गई जे की तो जे पर एक्चुअली निर्भर करता है कि लेस देन हाफ फील्ड का केस है कि मोर देन हाफ फील्ड का अगर लेस देन हाफ फील्ड का केस है तो जे का वैल्यू हो जाएगा एल माइनस एस यानी कि लोअर देन हाफ फील्ड केस में जिसकी लोअर वैल्यू होगी ना जे की टर्म सिंबल आप लिखेंगे तो टर्म सिंबल में जो लोअर वैल्यू आएगी जे की दैट लाई लोवेस्ट दैट लाई लोवेस्ट मतलब दैट लाइज इन द ग्राउंड स्टेट दैट द मिनिमम एनर्जी कॉन्ट्रेक्ट टू दिस अगर मोर देन हाफ फील्ड है तो जे का वैल्यू होगा एल प्लस एंड हाइयर वैल्यू ऑफ जे लाई द लोएस्ट मतलब उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमारे पास वो हमारे पास ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा ठीक है और अगर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाता है तो जे एस के बराबर हो जाएगा एल का वैल्यू जीरो के बराबर ठीक है जो मेरे पास में टर्म सिंबल्स आ रहे हैं इसके अंदर है ना इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में कार्बन में तो दीज आर थ्री पी जीरो थ्री पी वन थ्री पी टू ठीक है इसके बाद है वन एस जीरो एंड देन वी हैव ठीक है ये वैल्यूज मेरे पास आ रही है अब देखो सबसे पहली बात है कि किस केस में एस का वैल्यू सबसे मैक्सिमम है तो हम देख रहे हैं यहां पे ये तीन जो हमारे पास लेवल्स हैं इनमें एस का वैल्यू मैक्सिम विच इज एस इक्वल टू वन करेक्ट है नेक्स्ट मुझे चेक करना पड़ेगा एल का वैल्यू हाईअर तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि तीनों ही हमारे पास पी है तो एल का वैल्यू तो सेम हो गया फिर हम बात करते हैं जे की तो कार्बन क्योंकि लेस देन हाफ फील्ड का केस है तो lower J की जो वैल्यू होगी जे मतलब मतलब का अब के ये दोनों क्योंकि वैल्यू हमारे पास क्या है जीरो के बराबर है क्योंकि मल्टीप्लिसिटी वन है एस का वैल्यू कॉमन होने के कारण अब नेक्स्ट हम देखेंगे एल का वैल्यू किसके लिए ज्यादा है इसके लिए एल का वैल्यू जीरो है इसके लिए एल का वैल्यू हमारे पास टू के बराबर है तो इसकी जो एनर्जी है वो लोवेस्ट होगी इसकी एनर्जी लोवेस्ट होगी मतलब नेक्स्ट हमारे पास आएगा वन डी टू एंड एट लास्ट वी हैव वन एनर्जी। ओके और अगर आपसे पूछता है कि बताइए हमारे पास जो टर्म सिंबल ग्राउंड स्टेट में लाई कर रहा है वो कौन सा होगा तो आप कह देंगे थ्री पी द आंसर और मैक्सिमम एनर्जी का जो हमारे पास टर्म सिंबल है दैट वॉज वन एस जीरो तो ये था हमारे पास में ब्रिट्स स्कीम तो हमारे पास जो है डायगनल एलिमेंट्स को कंसिडरेशन किया जाता है देखते हैं कि भाई वो हमारे पास वैलिडेट करते हैं कि नहीं करते उसके हिसाब से चीजें चेकआउट होती हैं और बाकी एग्जाम्पल्स आप लोग यहां से कर सकते हैं इसी प्रकार से ठीक है तो होप आप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सो अगर आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू